नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गर्दन का दर्द आजकल एक बहुत कॉमन समस्या है जिससे वृद्ध लोग ही नहीं यंगस्टर्स भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और कभी कभी यह दर्द इतना ज्यादा होता है कि लोगों की दिनचर्या को भी प्रभावित करने लगता है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे गर्दन में दर्द के एक बहुत कॉमन कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, जिसे लोग आम बोलचाल की भाषा में सर्वाइकल का दर्द भी कहते हैं। क्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का उपचार संभव है और अगर हाँ तो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, इससे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं ताकि हमें ये परेशानी हो ही ना, और मैं आपको उन गंभीर लक्षणों के बारे में बताऊंगा जो अगर किसी व्यक्ति को हो तो उसका मतलब है कि यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी गंभीर रूप ले चुकी है और आपको तुरंत ही डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, हालांकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में गर्दन में दर्द सबसे कॉमन लक्षण होता है, पर इसके अन्य लक्षण भी आने लगते हैं, जैसे कि गर्दन में जकड़न होना, गर्दन को दाएं और बाएं आगे पीछे घुमाने से दर्द का बढ़ जाना, हाथों में सुन्नपन, झंझनाहट होना, मसल स्पैज्म होना, गर्दन घुमाने पर कड़कड़ की आवाज़ आना, चक्कर आना, सरदर्द होना। गर्दन की दर्द की कंप्लेन लेकर जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उन्हें अगर इस दर्द का कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने का डाउट होता है तो वे आपकी कुछ एग्जामिनेशन करते हैं। आपकी गर्दन की मसल पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं। गर्दन के साथ कंधों का भी एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अलावा नेक का एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई भी करवाई जाती है और अगर किसी नर्व पर दबाव का संदेह होता है तो कुछ एडवांस टेस्ट भी करवाए जाते हैं जिसमें आते हैं माइलोग्राम, इलेक्ट्रोमाइलोग्राम। दोस्तों, अब बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रीटमेंट की। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इस बीमारी से कोई नर्व कंप्रेस हो रही है या नहीं। अगर कोई नर्व कंप्रेस नहीं हुई है तो ट्रीटमेंट की शुरुआत में दवाओं के साथ फिजियोथेरेपी दी जाती है। आपको लक्षणों के अनुसार पेन किलर, सूजन कम करने की दवाइयाँ और मसल स्पाज को कम करने की दवाइयाँ रिकमेंड की जाती हैं। आपको कुछ स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज सिखाई जाती है जो आप घर पर या किसी ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में दर्द के थोड़ा ठीक होने के बाद 5 से 7 दिन बाद कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेज में गर्दन की मसल्स को मजबूत करने के लिए नेक रोटेशन की एक्सरसाइज बताई जाती है। ठंडा सेक, गरम सेक और मसाज भी रिकमेंड किए जाते हैं। इसमें आपको खुद ठंडा और गरम सेक करके देखना होता है कि किस तरह के सेक से आपको आराम मिल रहा है। गरम सेकाई किसी भी गरम पानी की थैली से कर सकते हैं और ठंडे सेक के लिए आप आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सॉफ्ट नेक कॉलर पहनने की भी सलाह दी जाती है जिससे गर्दन की मांसपेशियों में अगर तनाव है तो उसमें आराम मिलता है। पर ध्यान रहे, आपको यह कॉलर लंबे समय तक नहीं पहनना है डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बिना, क्योंकि इससे मसल एट्रॉफी मतलब मसल कमज़ोर भी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की राय लेकर ही यह कॉलर हम पहने। अगर लक्षण बहुत सीवियर हैं तो इंजेक्टेबल थेरेपी भी दी जा सकती है जिसमें स्टीरॉयड इंजेक्शन सीधे नेक की हड्डियों के बीच में दिया जाता है और उसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन तकनीक भी यूज़ की जा सकती है जिसमें उन नर्व्स को हीट वेव से अब्लेट या शांत कर दिया जाता है जिसमें दर्द हो रहा है। ज़्यादा सीवियर केसेस में सर्जरी कराने की भी सलाह दी जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ज़्यादातर केसेस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। बहुत कम केसेस में जहां दवाओं से और फिजियोथेरेपी से भी आराम नहीं मिलता है और मरीज को ऐसे लक्षण आते हैं जैसे कि हाथ पैरों में कमजोरी, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो, चलने में इनस्टेबिलिटी होना या चलते वक्त व्यक्ति लड़खड़ाने लगे, पेशाब और मोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसे केसेस में सर्जरी की सलाह दी जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में 3 तरह की मेनली सर्जरी की जाती है। पहली सर्जरी है जिसमें दबी नस को खोल दिया जाता है, इस सर्जरी को डीकम्प्रेशन या लेमिनेक्टोमी सर्जरी कहा जाता है। दूसरी तरह की सर्जरी में नस को खोलने के साथ साथ हड्डियों को आपस में जोड़ा भी जाता है, इसे फ्यूजन सर्जरी कहते हैं। तीसरी प्रकार की सर्जरी का नाम है सर्वाइकल डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी, इस सर्जरी में 2 हड्डियों के बीच का मूवमेंट भी बरकरार रखा जाता है और नस को भी खोल दिया जाता है। ये तीनों ही सर्जरी बहुत सेफ होती हैं,
परंतु कौन सी सर्जरी आपके लिए बेस्ट होगी वे आपके डॉक्टर आपके लक्षणों को देखकर डिसाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से बच सकते हैं? जी हाँ, ये उम्र के साथ होने वाला एक नॉर्मल प्रोसेस है, पर अगर आप ऐसी कोई काम करते हैं जिससे आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर ज़्यादा जोर पड़ता है तो आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल को अपने आई लेवल पे ही रखकर इस्तेमाल करें। अगर आपको लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है तो हर 20 मिनट में ब्रेक लें और स्ट्रेचेस करें, रेगुलर नेक के स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार करें। अगर मांसपेशियों में दर्द है तो ठंडा या गर्म सेक करें। दोस्तों, उम्मीद है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पर मेरी यह दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैडोक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पर मेरी यह दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।